मैं जब छोटी थी ना, हम जब बच्चे खेलते थे गार्डन्स में, और तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था बबली. ओके. और वो एक्चुअली काफी बदमाश थी, इसलिए हम सब उसको मिलकर काफी चिढ़ाते थे. कह रही तो बहुत बदमाश लड़की, बबली बदमाश. तो आई थिंक कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई और मजा आ गया गाने में. ईमान तेरा ले ले ओ लैला तेरे, ओ लैला तेरे, ओ लैला तेरे ले ले की तू लिख के ले ले ओ लैला तेरे ले ले. वो क्या है? दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता. एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है. और जब मणिया सुरवे हो तो किसी से क्या डरना. शरीर में 206 हड्डी है और संविधान में 1670 कानून. हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हो. बॉम्बे का नया बाप मणिया सुरवे. मैं आफाक बागरा 5 वक्त की रोटी खाता हूं और 10 वक्त की नमाज पढ़ता हूं. इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं और मुझे खरीदने की किसी की औकात नहीं. In a million years, thought I would sit here and have a chance to make something like this. As a little girl, you always watch all these Bollywood movies, watching these beautiful women dance and sing, and this is a great escape. It's a great song to dance to, and you guys got to hear it for the first time tonight. So I'm really thankful. I'm thanking my lucky stars, I'm thanking God, and thanking Miss Ekta here, and Sanjay, thank you so much for being so patient with me and the guys for being patient with me, because it's my first song. So I'm very thankful. Ji, ye mera career ka sabse acha performance hai, aur jo support mujhe mere colleagues aur co-stars se mila hai, main unka shukrguzar hu. And कोशिश यही है कि अप्रिसिएशन मिले क्रिटिकली कमर्शियली. अगर नेशनल अवार्ड मिले एक दिन तो दैट विल बी ग्रेट, बट अब तो सिर्फ हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं और परफॉर्मेंसेस के बारे में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पर एक बिल्कुल अलग फिल्म थी और ये बिल्कुल ही अलग फिल्म है. दिस इज समथिंग विच आई फील इज यू नो आई थिंक दिस इज संजय गुप्ता कॉलिंग एंड आई थिंक इज डन अ ग्रेट जॉब. And this is his best film till date, Shootout At Wadala. Sheikh Munir Maniya Surve se jail mein milta hai. Jee. Aur wahan inki dosti badhti hai aur dono matlab ek aise raste pe chale jate hain jiske bare mein Manoj ji ne already kaha. Aur wo us zamane ki, I don't know if I can say this, pehli Hindu gang banate hain jo matlab Mumbai ki kaya palatne par उतर आते हैं. लेकिन क्या होता है उसके बाद वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा. मुझे लगता है कि सिक्स पैक से बड़ा इस फिल्म का कंटेंट है, जो इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर एकता, हमारे डायरेक्टर संजय, ये सबसे बड़े 6 packs हैं. एक्चुअली 8 packs हैं. जब ये दिखते हैं तो कोई 6 packs दिखाने की ज़रूरत नहीं. आई वुड से कि जब मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब संजय सर ने बुला कर मुझे ये कहानी सुनाई, तो मुझे उस रात पूरी तरह नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना कमाल का नरेशन था और इतना कमाल का किरदार था. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट. और फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं चला. एंड आई थिंक वर्किंग विद ऑल माई को-स्टार्स हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. हम स्टार्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. और हर एक पिक्चर के साथ शायद हमें कुछ सीखने को मिलता है. एंड आई थिंक मेरे लिए शूट आउट एट वडाला एक कम्प्लीटली एक अलग फिल्म है. आई थिंक ऑडियंस इज गोइंग टू बी शॉक्ड सीइंग मी इन दिस फिल्म इन दिस रोल. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू ऑल एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म. जुबैर इम्तियाज कासकर,
हुकूमतें खड़ी होती हैं गिरने के लिए और हम पैदा हुए हैं उसे गिराने के लिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से संजय गानों को शूट करते हैं, इट्स ऑलवेज अ क्लास अपार्ट। द वे ही मेक्स वुमेन लुक इन द मूवीज इज इनक्रेडिबल, सो इट्स सच एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। अनु जी ने एक बहुत ही किलर ट्रैक दिया है, ऑफकोर्स मिक्का हैज रॉक्ड इट, सुनीधि'ज रॉक्ड इट, और सबसे बड़ी बात यह है टू वर्क विद जॉन इन दिस सॉन्ग, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है।